पूरब सैनिकों के आश्रितों की टीजीटी आर्ट्स और एलटी पदों पर नियुक्ति की मांग पर सरकार द्वारा अधिसूचना जारी करने से पूर्व सैनिक बेहद प्रभावित हैं। पूर्व सैनिक कल्याण समिति का कहना है कि महज 22 घंटों में इस मांग पर एक्शन लेकर सीएम जयराम ठाकुर ने पूर्व सैनिकों को अपना मुरीद बना दिया है। इससे पूर्व सैनिकों के लगभग 200 आश्रित लाभान्वित होंगे। समिति ने उम्मीद जताई है कि जनहित से जुड़े मुद्दों पर भविष्य में भी जयराम सरकार इसी तरह तुरंत प्रभाव में कार्यवाही करेगी। बिलासपुर के सर्किट हाउस में आयोजित पेरेंट्स कॉन्फ्रेंस में पूर्व सैनिक कल्याण समिति के प्रदेश अध्यक्ष सूबेदार प्रकाश चंद ने कहा कि टीजीटी आर्ट्स और एलटी पदों के लिए पात्र पूर्व सैनिकों के आश्रितों को बीते करीब 20 वर्षों से नियुक्तियां नहीं मिल रही थी। नौकरी के लिए उनकी आयु सीमा के साथ ही टैट उत्तीर्ण करने की अवधि इसी साल खत्म होने जा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें अपना भविष्य अंधकारमय नजर आ रहा था। समिति ने गत 5 फरवरी को ही मुख्यमंत्री, सैनिक कल्याण मंत्री, शिक्षा सचिव व निदेशक को इस बारे मेल के माध्यम से ज्ञापन भेजे थे। करीब 2 सप्ताह तक इंतजार करने के बावजूद कोई जवाब न मिलने पर समिति का एक प्रतिनिधि मंडल ने 20 फरवरी को दोपहर बाद करीबन 4 बजे शिमला में सीएम जयराम ठाकुर से मुलाकात कर उन्हें सारी स्थिति से अवगत करवाया। सूबेदार प्रकाश चंद ने कहा कि सीएम के आश्वासन पर उन्हें उम्मीद थी कि सरकार कुछ ही दिनों में इस बारे में फैसला लेगी, लेकिन सरकार ने 21 फरवरी को ही अधिसूचना जारी कर दी। महज 22 घंटों के भीतर लिए गए इस एक्शन ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों का दिल जीत लिया है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार के आभारी हैं। इससे पूर्व सैनिकों के करीब 200 आश्रित लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व सैनिकों की विवाहित बेटियों को आरक्षण की मांग कर पिछले साल ही अधिसूचना जारी हुई है। 18 अप्रैल को उनकी काउंसलिंग होगी। समिति को पूरा विश्वास है कि काउंसलिंग के तुरंत बाद सरकार पूर्व सैनिकों की विवाहिता बेटियों को भी नियुक्तियां देंगी। इस मौके पर समिति के प्रदेश उपाध्यक्ष हंसराज व महासचिव संजय चौधरी भी मौजूद रहे। 20 फरवरी 2018 को मुख्यमंत्री से मिली और उनको अपना ज्ञापन सौंपा। हमने मुख्यमंत्री से मांग की कि हमारे जो पूर्व सैनिक आश्रित हैं उनकी टीजीटी टैट की अवधि और उनकी आयु सीमा समाप्त होने जा रही है इसी साल, तो हमारा आपसे आग्रह है कि इनकी जो है नियुक्तियों हेतु काउंसलिंग की तारीख तय की जाए। मुख्यमंत्री जी ने हमारा आग्रह स्वीकार करते हुए हमें आश्वासन दिया कि उसके ऊपर गहनता से विचार किया जाएगा, लेकिन 21 फरवरी 2018 दोपहर 2 बजे पूर्व सैनिक आश्रित टीजीटी आर्ट्स की अधिसूचना जारी कर दी गई, जिसके तहत पूर्व सैनिक आश्रितों के लगभग 200 बच्चों को नौकरी मिलेगी, जो कि खुशी का विषय है। और इसी संदर्भ में पूर्व सैनिक कल्याण समिति एवं उनसे जुड़े तमाम पूर्व